ମାଲାବାର ନରସଂହାରକୁ 100 ବର୍ଷ ବିତିଛି 100 ବର୍ଷ ବିତିଥିବା ବେଳେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ମେମୋରିଆଲ୍ ରହିଛି ସେଠି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ ନନ୍ଦକୁମାର ଜୀ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥାଉ। ସାର୍, କିଆ ବୋଲେଙ୍ଗେ, 100 ସାଲ ବିତ ଗିଆ ହେ ଲେକିନ ଅବି ବି ଇସକୁ ଲେକର କୁଛ ଲୋକଙ୍କ କେ ମନ୍ଦର କୁଛ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେ ଯୋ ଆଜ କି ୟୁବା ପିଢ଼ି ହେ ଉନକୁ ଜାନକାରୀ ଜରୁରୀ ହେ ଯେ ମାଲାବାର ମେ ଏକ୍ଚୁଆଲି କିଆ ହୁଆ ଥା ଉସକେ ଉପର କିଆ ବିତା ଥା ଉସକେ ହିଷ୍ଟ୍ରୀ କେ ଉପର। इसके ठीक तरह से समझना है तो ऐतिहासिक जो पूरा जो मामला ट्रू पर्सपेक्टिव में देखने की आवश्यकता है। केरल के जो मलबार के साथ इस्लामिक संबंध 16वीं सदी से शुरू हुआ था, लेकिन शुरुआत में बिकॉज ऑफ द ट्रेड रिलेशंस, वाणिज्य का जो व्यापार का संबंध था अरेबियंस के साथ, उस समय लगभग हारमोनियस लाइफ था। इसका जो एक प्रकार का बहुत बदलाव आए 1766 में, हैदर अली करके मैसूर के सल्टन थे, वो मैसूरियन अटैक शुरू हुआ, तब से लेकर वहाँ के जो सामान्य लोगों के बीच में हिंदू मुस्लिम में डिवाइड आ गया, क्योंकि बहुत बड़ा कन्वर्शन हुए, कत्लेआम हत्या हुई, जमीन कब्जे में लेना प्रारंभ किया। जो आधा हिस्सा मलबार के आबादी के आधा हिस्सा वहाँ से भगाया, वो कोच्चि, और आपको मालूम होगा केरल के सदर्न एरिया पर वो पलायन किया, एंड जो लैंड उन्होंने छोड़ दिया था जमीन, वो जमीन वहाँ के मोपलाओं को टीपू सुल्तान ने बांट दिया। वहाँ के जो टैक्स कलेक्ट करने का एक नया व्यवस्था उन्होंने खड़ा कर दिया, कनामदार सिस्टम, आप लोग हिस्ट्री में देखा है तो मालूम होगा। लेकिन इन 1792 टीपू हार गए युद्ध में, स्वाभाविक रूप में उनको मलबार छोड़ना पड़ा। हिंदू जो वहाँ से बाहर गए वो सब वापस आए, स्वाभाविक रूप में उनको जो वैध रूप से मिलना, लीगली मिलना था, वो लैंड सब उनको वापस मिला। एक प्रकार से इलीगली ऑक्युपाई करने वाले मोपलाओं के मन में दो डिकेड से, 2.5 डिकेड से इलीगली ऑक्युपाई कर रहे थे, उनको लगा ये हमारे हैं, लेकिन लीगली इनको वापस करना पड़ा। इसके लेकर एक मनमुटाव, एक संघर्ष प्रारंभ हो गया, एक लंबे सिलसिला रायट्स का जो लंबे सिलसिला केरल में प्रारंभ हो गया। मलबार में लगभग 52 मेजर रायट्स उस समय मलबार के एरिया में हुई, ये 19वीं सेंचुरी में। इस प्रकार सरचार्ज एटमोसफियर वहाँ था, ये बैकग्राउंड हमको समझने की जरूरत है। उसी समय था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन ने टर्की को डिसमेंबर किया, इजिप्त स्वतंत्र हो गया, इराक स्वतंत्र हो गया, सीरिया स्वतंत्र, दे वर ऑल मुस्लिम कंट्रीज, दे लेफ्ट, ओके। देन पैन इस्लामिक मूवमेंट टू री एस्टैब्लिश कालिफेट प्रारंभ हो गया। इससे भारत के स्वतंत्रता संग्राम से क्या संबंध है? भारत के स्वतंत्रता संग्राम बंगाल के यानी सच्चाई के लिए, आसाम भारत में रहने के लिए होना तो संभव है उस नजर में, ये सिर्फ नरसंहार, ये सब नरसंहार ही था, पैन इस्लामिक मूवमेंट था, दैट इज द मेन पॉइंट। इट वॉज अ पैन इस्लामिक मूवमेंट, इट हैजन गॉट एनी रिलेशन विथ भारत, अंदर देशीय इस्लामिक, अंदर राष्ट्रीय इस्लामिक मूवमेंट था उस समय। इसको केरल में भी प्रारंभ किया कांग्रेस ने, मुसलमान आतंकवादियों ने एक अवसर के लिए वेट कर रहा था, उन्होंने हिंदुओं के ऊपर नरसंहार प्रारंभ किया, मलबार एरिया को अल दौला घोषित किया, शारिया रूल इनैक्ट करने के लिए कोशिश किया। हिंदुओं के हत्या का जो आंकड़ा आप अगर देखा है तो 10,000 से ज़्यादा हिंदुओं के कत्लेआम हत्या हुई, 2,00,000 से ज़्यादा लोग वहाँ छोड़कर भागना पड़ा, इस प्रकार का घोर नरसंहार वहाँ हुई। अभी जो रिसेंटली सर जो फ्रीडम फाइटर डिक्लेयर किए थे उसको लेकर जो अभी कमेटी फॉर्मेशन हुआ है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? नहीं, ये तो अभी अभी फ्रीडम फाइटर घोषित नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, केरला स्टेट ने किया है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट जो बार जो आते रहते हैं, ये दोनों मिलकर इस नरसंहार को नेतृत्व दिए हुए सभी आतंकवादियों को स्वतंत्रता संग्राम के नेता ऐसा दर्जा दिया। उन लोगों के एक एडिटोरियल बोर्ड ने केरल संबंधित स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास लिखकर ICRC को दिया, वो डिक्शनरी ऑफ मार्टियर्स करके बाहर आया विदाउट प्रॉपर चेकिंग। इसके खिलाफ बहुत बड़ा आवाज उठाया, केरल के हिस्टोरियंस ने किया, प्रोफेसर शंकरन गुट्टीनायर यूनिवर्सिटी के एचओडी थे, डॉक्टर CI ऐसा कल भी आने वाला है, वो इस प्रकार के लोगों ने आवाज़ उठाया, इसलिए ये सब कंट्रोवर्सी ऐसा लोगों को लगा। ये पहले मतलब इमरजेंसी के तुरंत बाद कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने घोषित किया, इसलिए हमारा जो मांग ऐसा है
मलबार में जो हत्या किए हुए हिंदुओं के स्मारक बनाना चाहिए वहाँ, एंड ऑल्सो हिंदू जिनासाइड ऐसा घोषित करने की ज़रूरत है। तीसरा, इन लोगों को गलत तरीके से, अवैध तरीके से इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के जो इसमें पेंशन मिल रहा है, इसको इमीडिएट इफेक्ट वापस करना, दिस आर ऑल डिमांड्स। आपण शुणुथिले नंद कुमार जी आमको बयान करुथिले जे केते भयंकर भावरे सेठार आक्रमण होइतला, एठारे प्रदर्शनी मध्ये अछि, कैमरा पर्सन नीरज को कहिबि से एठारे जो प्रदर्शनी रहिछि जो एग्जिबिशन कराइछि ताकु देखेबे, 100 वर्ष बिती जाइछि तापरे भी एबे भी लोकमानक मध्ये कोडना कोठि गोटे कन्फ्यूजन परिस्थिति सृष्टि करिया पई चेष्टा कराउछि बारंबार। जो माने नरसंहारर नेतृत्व नउथले, जो माने हिंदू मानक लक्षाधिक संघारे सेठारु काटिछन्ति, एबेली चित्र मध्ये सामना को आसिला, जो माँ पेटर पिला थिला ताकु मध्ये काटिकी काढ़िकी नहीं कि जो चित्र आग एग्जिबिशन में मध्य अच्छी, कैमरा पर्सन को भी देखेबे जे माँ पेटर पिला को मध्य काढ़ी की नहीं कि से माने ता हत्या करथिले, तनु केते भयंकर थिला एवं सीधा सड़क जो इस्लामिक मूवमेंट गोटे से माने तैयारी करिया पई चेष्टा करथिले भारतर, यार स्वाधीनता संग्रामी सहित कौनसी लिंक नथिला, किंतु से मानको फ्रीडम फाइटर भाबे डिक्लेरेशन करी कि फ्रीडम फाइटर रो मान्यता दे कि जो पेंशन से मानको दिया जाउची ता तुरंत वापस करा जाउ बा ताको तुरंत बंद करा जाउ, एवं या सहित हिंदू मानकर जो जो माने मृत्युवरण करछन से मानकर स्टैचू निर्मित करा जाउ, से मानकर एवं जो मालबार जेनोसाइड डिक्लेरेशन करी गोटे म्यूजियम मध्य तैयारी करा जाउ, एभली अनेक डिमांड रखछन्ती, तबे ये डिमांड केबे पूरण होउची आकु केबे सुधा केरल सरकार मान्यता दउछन्ती तापर निश्चित भाबे कोडना कोडी देशवासी नजर रहिछि। नुआ दिल्ली कैमरा पर्सन नीरज सहित गगन अर्गस न्यूज़।